अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी हैं ठीक ठाक मस्त, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक खैरियत से। और हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते रहें, आमीन। और हमारी मीठी मीठी सुबह अब हो गई है और हम लोग उठे हैं अभी, और मैं बनाने जा रही हूँ इनका नाश्ता। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए अंडा पराठा। ये जो मैंने एग है, सिर्फ अंडे में मैंने डाला है नमक, और ये मैंने पराठे के ऊपर डाल दिया। सिर्फ ऑयल जो है मैंने हल्का सा तवे पे लगा दिया था, और ये बैक साइड से थोड़ी सी रोटी जो है ऑयली है। हल्की आंच पे ये जो एग है वो भी हमारी रोटी के साथ साथ पक जाएगा। बच्चों का जो अंडा पराठा रोल है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसी तरह मैंने इन तीनों के पराठा और अंडा जो है ना बना लिया है। यहाँ पे चाय, बुआ ने कर लिया है काम, और मैं और बुआ करेंगे अब चाय को एंजॉय। कहाँ जा रहे मोहम्मद जूते पहन के हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? जैनब, आपने सही नहीं किया, आपका सारा लाइन से बाहर है कलर। ये देखो, आपने सही नहीं किया। सीखी भी नहीं है, अब स्कूल खुलेंगे फिर। हाँ, अब इसकी क्लासें होंगी, क्योंकि इन्होंने जो है एडमिशन इनका हो गया है अब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी भी क्लास स्टार्ट होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे बच्चों को बहुत इंतज़ार है कि कब स्कूल खुलेंगे और कब हम स्कूल जाएंगे, लेकिन बेचारों को नहीं पता कि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी अभी। जी हाँ, स्कूल अभी जाना नहीं है बेटा। दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस वायरस को जल्दी ख़त्म करे, ताकि स्कूल खुल सकें, ताकि आप लोग सुकून से स्कूल जा सको। नहीं, अभी भी नहीं खुलेंगे। वायरस चलता रहेगा? नहीं, अल्लाह करे वायरस ख़त्म हो जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वायरस ख़त्म होगा अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद कौन से कलर कर रहा है? मोहम्मद आपने कौन से कलर किए हैं? दिखाओ, शो मी, इधर करो, इधर करो, करके दिखाओ मम्मा को। वाओ वाओ, मोहम्मद ने बहुत अच्छे कलर किए। मोहम्मद देखो, इतने अच्छे कलर। ओहो, आज डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, क्योंकि चिकन बिरयानी की शिद्दत से
बहुत शिद्दत से मुझे चिकन बिरयानी की याद आ रही थी। रात ख्वाब में भी चिकन बिरयानी देखी, तो सुबह उठते ही बस मैंने डिसाइड कर लिया कि आज चिकन बिरयानी पकेगी, क्योंकि शिफ्टिंग में, सेटिंग में, पैकिंग में इतना इतना के जो है ना, मैंने बिरयानी को इग्नोर किया हुआ था। मैं पका नहीं पा रही थी घर में खाना, तो बस कल तो परसों तो वैसे ही खाना सालन बन गया था, निहारी बन गई थी, तो बस मैंने सोचा कि अब मैंने बस बहुत हो गया, अब मैंने चिकन बिरयानी बनानी है। तो मैंने पकाना इसको शुरू कर दिया। अब ऐसा हो रहा है कि बस जल्दी झटपट ये पक जाए और मैं इसको फटाफट खा लूँ, इतनी मेरा इतना के शिद्दत से दिल चाह रहा है। तो इसी वजह से सिंपल तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से पका रही हूँ, और शान के मसाले से जो कि जल्दी जल्दी पक जाए। अपना कोई मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी मसाले की पहले से ही, मसाले जो होते हैं मेरे घर के जो होते हैं वो मैं पहले से ही ग्राइंड ग्राइंड करके बना के रख देती हूँ। अभी मेरा कोई इतना वो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ग्रोसरी में मसाले ख़रीदे भी नहीं, जो है चक्की में गई नहीं, तो इस वजह से जो है ना मसाले लाई नहीं हूँ खुले कि मसाला घर में बना के रख दूँ। तो इस वजह से जो है ना अभी शान के मसाले से झटपट बना के इसको रेडी करके खाने वाली हूँ बस। और अभी जो है मैं जो है इसके जो प्याज है वो ब्राउन कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। जल्दी जल्दी बनाने वाली जो तैयार होने वाली बिरयानी होती है बस वही रेडी कर रही हूँ। इसका सामान मैंने काट के रखा है, अब जल्दी जल्दी बस इसके अंदर डालती जाऊँगी और भूनती जाऊँगी। चावल भी उबालने के लिए भिगो के रखे हुए हैं मैंने, चावल अभी उबालने के लिए रख दूँगी। 5 बज चुके हैं, अदील भी आने वाले हैं, बस उनको मैंने बोला है जल्दी से पेप्सी ले आइएगा, और पुदीना घर में नहीं है, पुदीना ले आइएगा, दम लगाऊंगी और उसके बाद बस कर लिए हैं ब्राउन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। यस, आप लोग सोच रहे होंगे ना इसने लहसुन डाला, ना इसने चिकन डाली, टमाटर डाल दिए प्याज के बाद। तो मैं थोड़ा सा इसी तरीके से बनाती हूँ, पहले प्याज को ब्राउन करके टमाटर को थोड़ा गलने दूंगी, फिर उसके बाद लहसुन डालूंगी, फिर उसके लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन कर होने दूंगी इसके अंदर, फिर मैं चिकन डालूंगी, ताकि जो है टमाटर मेरा बिरयानी में नज़र ना आए। चुके हैं, अब मैं इसमें डाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको थोड़ा करूँगी ब्राउन, और मैंने अब इसमें चिकन डाल दी है। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि पूरी चिकन जो है ना ब्राउन हो जाए सड़ के। चिकन का मसाला मेरा रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें शान मसाला बिरयानी का शामिल करने लगी हूँ। ये वाला मसाला रेडी हो चुका है, मैंने मिर्चों की भी बारिश कर दी है, और यहाँ चावल डालूंगी। टाइम हो चुका है और मेरी बिरयानी रेडी हो गई है। और कल जो है घर पे स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं, और ग्रोसरी भी थोड़ी बहुत करनी है, घर का सामान भी थोड़ा बहुत लेना है। लेट्स गो, चलो मास्क आप लोगों के नीचे गाड़ी में है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, निकलते हैं बाहर। लाइटें, ये अदील के पुराने जानने वाले हैं, अदील चलते चलते उनको सलाम दुआ कर रहे हैं। मैं आई हूँ थोड़ी बहुत जो घर की ग्रोसरी है वो लेने, ये ले लो आजी थोड़ी सी। ये देखो ये क्रीम है, ये तो गिश्ता है, वो रैम्बो वाला नहीं है, ये वाला तो लो ना, पाकिस्तान ले लो, उठा ले। कौन सा चाहिए, कौन सा, ये केचप के, ये ले लो, वो रख दो, वो मिर्ची के हैं, वो मिर्ची है उसमें। अच्छा ये ले लो, वो नहीं लो, वो मिर्ची वाले हैं, आ जाओ ये ले लो, आओ आ जाओ। अच्छा ये वाले ले लो, बड़े पसंद है मूंगफली वाली। चलो चलो, अच्छा जी घर का सामान काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ले लिया है, काफ़ी सारा जो कम था वो ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं सीधा घर को, और आज का व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।